आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अभी कुछ टाइम पहले बरसात में पुल टूट गया था, तो अब इस पुल की जगह पर यहाँ पे नई रोड बनाई गई है सर्विस लेन कुछ टाइम के लिए, और टाइमिंग इसके बाद ये नया पुल बनेगा यहाँ पर बड़ा सा। तो ये है हमारा उत्तराखंड का इलाका। सो आज हमारी सवारी निकल चुकी है, आप देख सकते हैं पीछे सब लोग हैं, चार भाइयों के साथ एक बहन रचना डॉली जा रही है। और कहाँ जा रहे हो आपको आगे जाके पता चल जाएगा, वैसे थंबनेल में आप लोगों ने देख चुका होगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं। सो दिस इज आवर स्क्वाड फॉर टुडे एंड लेट मी इंट्रोड्यूस एवरीवन क्विक रैप अप। ही इज अवर ड्राइवर मनीष, मनीष भाई पीछे की पाली में देखे कौन कौन, सन्नी भाई बैठ रखे हैं, परदेसी बाबू डॉली, और ये मैडी भाई, आप सब जानते हैं मैडी भाई को। सो अब हम चल रहे हैं, थाना रोड में पहुंच चुके हैं, और देखते हैं कितनी जल्दी पहुंचते हैं। ऋषिकेश जा रहे हैं और वहां से थोड़ा रास्ता चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आज हम गाड़ी में तो इसमें पुल तो पार करने के लिए हमें दूसरी तरफ से जाना पड़ेगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम पहुंच गए ऋषिकेश में, और यहाँ पे पीछे गंगा जी बह रही हैं। बस हमें जस्ट यहाँ से आगे थोड़ा सा एक कट लेना है, उसके बाद हम पहुंच जाएंगे अपनी लोकेशन पे। यहाँ से गाइस ऊपर का रास्ता जो देख रहे हैं आप, ये नीलकंठ महादेव जाता है, और इधर से हम जा रहे हैं अपनी लोकेशन की तरफ। तो गाइस देखिए हम पहुँच चुके हैं अपनी लोकेशन पर, और अब हम आपको दिखाएँगे इस लोकेशन को डिटेल में। यहाँ पर पार्किंग है, पहले हम जरा गाड़ी पार्क कर लेते हैं। तो ये है हमारी लोकेशन 84 कुटिया, AKA महर्षि योगी आश्रम और AKA द बीटल्स आश्रम। तो हम एंट्री करते हैं, टिकट्स वगैरह लेते हैं। तो हम आ चुके हैं, अब हम लेते हैं टिकट्स। तो ये है टिकट्स का लिस्ट, अगर आप इंडियन है 150 रुपये, स्टूडेंट हैं तो आपको उसमें 75 रुपीज़ लगेंगे, और अगर 18 साल से छोटे स्टूडेंट है 40 रुपये में काम बन जाएगा। और मनीष भाई यहाँ से अपना निकाल रहे हैं क्रेडिट कार्ड। तो ये 84 कुटिया, और भैया हमारी बना रहे हैं टिकट्स। सो ये जो प्लेस है ये राजा जी नेशनल पार्क के अंडर आती है, और यहाँ पर बहुत खूबसूरत है, हर जगह राजा जी नेशनल पार्क के लोगों बने हुए, साथ साथ एक बहुत ही सूदिंग से म्यूज़िक बज रही है। सो गाइस इस लोकेशन का नाम है 84 कुटिया, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके के यहाँ पे 84 कुटिया बनी हुई हैं। ऐसा माना जाता है कि हिंदू धर्म में जो 84 लाख यानी 84 लाख जो जीव जंतु रहते हैं, और एक मनुष्य जीवन जो है वो 84 लाख योनियों के बाद प्राप्त होता है, एक मनुष्य को एक मनुष्य जीवन जो प्राप्त होता है, जैसे हम इंसान बनते हैं तो 84 लाख योनियों के बाद बनते हैं। तो इसीलिए इस आश्रम में 84 कुटियाएँ हैं, जो इसको दर्शाता है कि 84 जो हमारी योनियां हैं उनसे मुक्त होने के बाद हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है, मोक्ष मिलता है। तो इस पर्पस से इसको आश्रम को बनाया गया था। तो जैसे मैंने आपको बताया था इस टाइप की यहां पर यानी 84 कुटियाएँ, तो उन कुटियाओं का पर्पस ये था कि यहां पर लोग आते थे और अपना योगा वगैरह प्रैक्टिस करते थे, तो यही रहते थे। मैं आपको क्विक टूर दिखाता हूँ इस कुटिया का। ये देखिए कुछ इस तरीके से है ये, आप यहाँ पर एंटर होंगे तो यहाँ पर आपका लिविंग एरिया है, ये पूरा देख सकते हैं आप, वाइड एंगल कर देता हूँ। यहाँ से आप सीढ़ियों से नीचे जाएंगे, ये देखिए कुछ इस तरीके की बहुत ही नैरो सीढ़ियाँ हैं। तो ये आपका दूसरा लिविंग एरिया मिल जाता है, ये देखिए कुछ सीढ़ियाँ ऐसे आ रही हैं, यहाँ पे विंडो है,
ये डोर है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की पूरी व्यवस्था थी पहले। यहाँ पे देखिए कुछ शेल्फ्स बने हुए हैं और इस तरीके से ये भी एक छोटा लिविंग एरिया है। उसके बाद यहाँ पर आपका वॉशरूम आ जाता है, ये देखिए कुछ इस तरीके के साथ आपका एक छोटा सा वॉशरूम आ जाता है। सो ये पूरा जो कुटिया है ये एक तरीके से लिविंग एरिया था। यहाँ पे जो लोग होते थे वो आते थे यहाँ पे अपना आध्यात्मिक प्रैक्टिस, यानी कि आपका जो भी यहाँ पे योग वगैरह साधना मेडिटेशन वगैरह करते थे। और इस तरीके से यहाँ पर ये बहुत सारी कुटियाएँ बनी हुई हैं, बहुत सारी जंगल के एकदम समीप, एकदम जंगल से सटी हुई। तो इस तरीके का नेचर के बीच रह के जो लोग यहाँ आते थे, यहाँ पर अपनी आराधना करते थे, यहाँ पर अपने मेडिटेशन करके नेचर के करीब रह के यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाते थे। और बहुत कुछ बताने को है अभी इस आश्रम के बारे में, कैसे इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी और किन के द्वारा यहाँ स्थापना हुई थी, और यहाँ ये आश्रम क्यों फेमस है, कौन लोग यहाँ आए थे जिस वजह से काफ़ी फेमस है, तो हम आपको सब बताएंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो ये सब देखिए, पोज देके बैठ रखे, दिल चाहता कि पोज की तरह, और मैं यहाँ वीडियो बनाने आ रखा हूँ और ये लोग मुझसे फोटो खिंचवा रहे यहाँ पे आप देखिए कितना खूबसूरत सा है कि ये कॉटेज टाइप है बिल्डिंग। इसमें देखिए बहुत सारी पेंटिंग बना रखी है। सो अब तो पूरा टूट चुका है क्योंकि काफी पहले था ये, लेकिन आपको क्विक टूर दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ा हॉल है और मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ जैसे कोई सभा वगैरह या कोई गैदरिंग्स वगैरह होती होंगी यहाँ पर, और यहाँ पे सब लोग बैठ के भजन वगैरह करते होंगे। देखिए विंडोज हैं, पूरी विंडो से काफी अच्छा जंगल का व्यू आ रहा है। काफी बड़ा ये पूरा हॉल है, एक बहुत बड़ा हॉल है। और वहाँ पर देखिए स्टेज बना हुआ है, तो इस स्टेज पे आई थिंक सो यहाँ पर जो भी प्रोग्राम या फंक्शन वगैरह होते होंगे यहाँ पे होते होंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी सारी यहाँ पर इस टाइप की हट्स बनी हुई है, कुटियाएँ बनी हुई है, और डबल डेकर कुटियाएँ, मतलब फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर टाइप से। ये देखिए बहुत सारी, और बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं यहाँ घूमने के लिए, ऐसा नहीं है। देखिए इस टाइप का है पूरा, और मैं आपको दिखाता हूँ इन कुटियाओं के अंदर लोगों ने बहुत खूबसूरत सी पेंटिंग्स बना रखी हैं। मैं अगर आपको दिखाता हूँ यहाँ से, देखिए ऊपर चढ़ के दिखाता हूँ, काफ़ी डेंजर सा, रिस्की सभी क्योंकि टूट चुकी हैं ऑलमोस्ट, बट आप ये देख सकते हैं। ये देखिए पूरी किसी थीम के रिलेटेड बना रखा है। लाइफ गोज ऑन विद इन यू एंड विदाउट यू, सो काफ़ी अच्छे कोट्स वगैरह के साथ बना रखा है, और इस तरह से हम यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। सो आप यहाँ पे देखिए कितनी सारी कुटियाएँ हैं और हम इनके ऊपर से जंप करके जा रहे हैं लिटरली, एकदम देखिए बहुत क्लोज है, एकदम नज़दीक है, और हम यहाँ से जंप कर करके इस कुटिया से दूसरी कुटिया पे जा सकते हैं बहुत इजीली। यहाँ देखिए बिल्कुल जॉइंट है एकदम, और बहुत सारी इस टाइप की ये तो कुटियाँ हैं। अभी अंदर जाके महर्षि महेश योगी जी का आश्रम भी है, वो भी आपको दिखाएंगे, और उसमें बहुत सारी पीटर की पेंटिंग्स वगैरह भी है। यहाँ पे खतरों के खिलाड़ी का डायरेक्ट ऑडिशन चल रहा है, डायरेक्ट एंट्री, और ये देखिए कूदते हुए, और ये इनका सिलेक्शन हो चुका है। और रोहित सर से रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा स्टंट अच्छा लगे तो प्लीज हमें इनवाइट कीजिएगा। तो चलिए वन टेक में करते हैं इसे। और हमारा स्टंट पूरा होता है। सो रोहित सर से रिक्वेस्ट है, प्लीज हमें अपने खतरों खिलाड़ी सीजन नेक्स्ट सीजन में बुला लीजिएगा। और एंट्री यहाँ से होती है, लड़कियां जो कम स्टंट करती हैं यहाँ से जाती हैं, और जो लड़के स्टंट बाज होते हैं यहाँ ऊपर से कूद फांद के चल जाते हैं। तो देखिए एंट्री, स्पेशल एंट्री ये टैन टन है। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं हम यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री कर रहे हैं खतरों खिलाड़ी के लिए, और एक और कंटेस्टेंट अपना ऑडिशन देना चाहते हैं, मनीष भाई भी स्टंट कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लुंजू पुंजू स्टंट कर रहे हैं, मतलब छोटी जंप मारेंगे। स्टार्ट 1 2 3। और ये मनीष सर ने बहुत अच्छी जंप मारी। सो यहाँ देखिए कितनी खूबसूरत कुटिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी, मतलब नंबरिंग के वाइज है, और कितना ब्यूटीफुल व्यू मिल रहा है आपको यहाँ से। आप देखिए इधर गंगा जी का व्यू मिल रहा है, बहुत खूबसूरत, ये पीछे गंगा जी बह रही है, ये देखिए घाट बन रखा है, और वो है हमारा जानकी पुल। ये छोटा सा बीच है, मैं आपको जानकी पुल जूम करके दिखाता हूँ एक बार।
30x का जूम है अपने फ़ोन पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो ये है जानकी पुल और ये है देखिए आप कितनी खूबसूरत लोकेशन, सनलाइट आ रही है यहाँ पे, जो खूबसूरत कुटिया फूल लगे हुए हैं और इस तरीके से यहाँ से आपको गंगा जी का व्यू मिल रहा है, बेहतरीन एक नंबर। सो इस तरीके की कुटिया में रहने के लिए अगर किसी को मिल जाए तो फिर क्या ही चाहिए जीवन में, और क्यों इतना बेहतरीन गंगा जी का व्यू आ रहा है सामने और जंगल के बीच हरियाली के बीच आपको इतनी अच्छी सी रहने की जगह मिल रही कुटिया। लेकिन अब तो इसकी हालत थोड़ी ख़राब हो चुकी है, लेकिन जिस टाइम पे ये नया रहा होगा उस टाइम काफ़ी अच्छा रहा होगा और उस टाइम इसमें काफ़ी फैसिलिटी रहेंगी, क्योंकि आपने आपको दिखाया था इसमें लाइटिंग वगैरह की फैसिलिटीज़ भी थी। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत कुटिया है, पूरी फूलों से लबी हुई, और इस वाली कुटिया की थोड़ी खासियत अच्छी है क्योंकि इसमें पूरे फूल फूल लग रखे हैं, देखिए कितनी खूबसूरत लग रखी है। यहाँ पे फोटो खिंचाने के लिए बहुत अच्छा पोज दे रही है यहाँ पे डॉली, और ये देखिए। तो इस तरीके से यहाँ पे रास्ता है और आप आगे तक सारी कुटिया विजिट कर सकते हैं। अभी आश्रम आएगा मेन, यहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग है। सो अब हम जा रहे हैं आगे की तरफ, काफ़ी फोटो सेशन वगैरह हो गया, टाइम भी हमारा काफ़ी वेस्ट हो गया। सो अब यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा था एक रास्ता बना हुआ, दोनों साइड से कुटियाएँ हैं। सो ये देखिए कितना खूबसूरत रास्ता है, इस तरह से यहाँ पे से ऊपर के लिए कुटियाएँ हैं और इधर से बहुत सारी कुटियाएँ हैं। तो तभी हम 54 पर ही हैं, यहाँ पे 84 है, हमेशा की तरह मेरा ब्लॉग लंबा हो जाएगा। सो मैं जल्दी जल्दी रैप अप करता हूँ, कम ऑन गाइस, चलिए भागिए फटाफट सबको पीछे छोड़ के, जल्दी से भागे निकल जाते हैं और हम मेन लोकेशन पहुँचने वाले हैं जहाँ पे आश्रम है। बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ हैं, दिखाता हूँ मैं आपको, चलिए आपको किचन का टूर कराते हैं। सो दिस इज़ द किचन, ये किचन का टूर है और यहाँ देखिए किचन में क्या पक रही है, फ़ोटो में पक रही है, यहाँ पे लोग फ़ोटोज़ खिंचा रहे हैं देखिए। और ये देखिए कितनी खूबसूरत पेंटिंग बना रखी है, ये सारी पेंटिंग जो है ये फॉरेन आर्टिस्ट और कुछ इंडियन आर्टिस्ट द्वारा बनाई गई है। ये देखिए आँख कितनी खूबसूरत बना रखी, और ये है मेन किचन का कंपाउंड, यहाँ पे किचन में बनता था खाना वगैरह। वाइड एंगल कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, ये देखिए ये है किचन। और ये है किचन का कंपाउंड पूरा, सो ये देख लीजिए कितना बड़ा किचन है। किचन से बाहर आके आप यहाँ पर देख सकते हैं महर्षि योगी जी की कितनी खूबसूरत पेंटिंग बनी हुई है। सो यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस हुआ करती थी और यहाँ पर महेश योगी जी ने काफ़ी पुस्तकें अपनी बुक्स वगैरह लिखी हैं। सो ये प्रेस हुआ करती थी इस टाइप की। अब हम आगे चलते हैं, आपको आगे दिखाते हैं, यहाँ से अंदर भी बहुत बड़ा गार्डन है। सो ये वेद भवन है और यहाँ पर जो मेन बीटल्स बैंड की जो पिक्चर्स वगैरह बनी वो हैं। चलिए मैं आपको अंदर दिखाता हूँ इस आश्रम, ये देखिए ये क्लासरूम हुआ करती थी 1976 में, और ये वेद भवन है, यहाँ पे देखिए कितनी खूबसूरत पेंटिंग्स बनी हुई है। तो ये देखिए ये पूरी पेंटिंग्स बनी हुई है, ये है महेश योगी जी बीटल आश्रम की गैंग, ये देखिए कितना बड़ा हॉल है। तो हेलो गाइस, देहरादून दर्शन की इस हमारे सीज़न फर्स्ट के चौथे एपिसोड में आप सबका स्वागत है, और आज हम आ रखे हैं 84 कुटिया जो ऋषिकेश में पड़ती है। इसे लोग बहुत से लोग बीटल्स आश्रम भी कहते हैं, महर्षि महेश योगी आश्रम भी कहते हैं। तो ये जो आश्रम है इसकी स्थापना 1961 में हुई थी, उस समय ये जो हमारा उत्तराखंड है ये उत्तर प्रदेश हुआ करता था। जो योगी महेश योगी जी हैं उन्होंने इस ज़मीन को 14 वर्षों के लिए लीज पे लिया था, यानी कि पट्टे पे लिया था, तब उन्होंने इस आश्रम की स्थापना करी थी। बहुत बड़ा आश्रम है, यहाँ पे 84 कुटियाएँ बनी, यानी कि कॉटेजेस बने, छोटे छोटे कॉटेजेस जहाँ काफ़ी अलग अलग जगह से प्रांतों से और दूर विदेश देश विदेश से भी लोग आके यहाँ पे स्टे करते थे, आध्यात्मिक चीज़ों को सीखते थे, पढ़ते थे उनके बारे में, योगा वगैरह करके मेडिटेशन करके अपनी आध्यात्मिक नॉलेज गेन करते थे। तो ये आश्रम इसलिए फेमस है, आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे बीटल्स जो एक बैंड था उस समय का मशहूर बैंड था, जो ब्रिटिश बैंड था, वो लोग भी यहाँ आए थे महेश योगी आश्रम में, और उस समय उन्होंने यहाँ स्टे किया था काफ़ी लंबे टाइम के लिए। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर आध्यात्मिक अपनी जो भी यहाँ पर सिद्धि वगैरह प्राप्त करी मेडिटेशन के थ्रू, और योगी जी के गाइडेंस में जो भी मेडिटेशन प्राप्त करी उससे उनको काफ़ी शांति महसूस हुई। उन्होंने यहाँ पे दो बड़ी बड़ी एल्बम्स अपनी लॉन्च करी थी जो कि काफ़ी सुपर डुपर हिट भी हुई थी उनकी, और यहाँ पर उन्होंने एक देहरादून के लिए सॉन्ग भी लिखा था। सो जब वो यहाँ से वापस ब्रिटेन गए तो उनके बाद जो उनका जो
एल्बम थी वो काफ़ी फेमस हुई थी, तो ये आश्रम भी उसके साथ साथ ग्रो करता रहा, काफ़ी देश विदेश तक इस आश्रम की काफ़ी प्रसिद्धि होती रही। तो इस तरीके से धीरे धीरे ये आश्रम इवॉल्व करता रहा और बहुत फेमस हो गया। तो आज की वीडियो में आपको इस आश्रम के बारे में दिखाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं इसके महत्व के बारे में। काफ़ी बड़ा आश्रम है, बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। अब तो खैर इस आश्रम को अब बंद हो चुका है ऑलमोस्ट, और ये खंडर बन चुका है, लेकिन अभी भी स्टिल यहाँ बहुत से लोग आते हैं। आप मेरे पीछे देखेंगे और वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि खूब सारी बहुत बेहतरीन बेहतरीन पेंटिंग्स बनी हुई है। सो आप देख सकते हैं सैटरडे संडे और हॉलीडेज़ के दिन बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर वीडियोज़ बनाने और फोटोज़ वगैरह खींचने के लिए। इसके बगल में राजा जी नेशनल पार्क है और ये जो इलेक्ट्रिक फेंसिंग हो रखी है, सो बहुत बड़ा आश्रम है। आप पूरी वीडियो देखिएगा। सो ये है आनंद भवन, सिद्धि भवन। आप यहाँ देख सकते हैं कितने सारे, कितना मंजिला है ऊंचा। सो यहाँ पे सिद्धि वगैरह प्राप्त करते थे, मतलब अपना मेडिटेशन वगैरह। और बहुत बड़ा ये देखे कितना ऊंचा है। और हम आपको इसके ऊपर ले जाएं तो आप लोग देख सकते हैं कि एक मंजिला, दो मंजिला, तीन मंजिला, चार मंजिला, बहुत ऊंचा है। चलिए हम टॉप फ्लोर पे जाते हैं और फिर हम आपको यहाँ से दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए कितनी खूबसूरत पेंटिंग्स बन रखी है। बिजली का बोर्ड, आइए ये देखिए, श्री तेंदुआ, तेंदुए की फोटो बना रखी, श्री तेंदुआ। वाइड एंगल में लेना पड़ेगा शॉट ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ये देखिए तेंदुए की फोटो। और ये इस तरह की गैलरी है, यहाँ बहुत सारे रूम्स हैं इस टाइप के, देखिए बड़े बड़े रूम्स हैं। और इसके जस्ट बैकयार्ड में जंगल का आपको पूरा लुक मिल जाता है, बालकनी कह सकते हैं। काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है ये, देखिए उस समय का लगभग 60-70 वर्ष पूर्व ये सब बनाया गया था। काफ़ी अच्छे से सोच समझ के और बहुत ही सही तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है पूरे कॉम्प्लेक्स को। और बहुत सारे रूम्स हैं, ये देखिए जस्ट इसके बगल का रूम, यहाँ वॉशरूम की फैसिलिटी भी है, होटल होता है उस टाइप का है। हाँ, हम सीढ़ी में ऊपर ले चलते हैं। देखिए यहाँ से आप सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे टॉप फ्लोर में, और हर फ्लोर के बाद आपको इस टाइप की छोटी सी बालकनी हर फ्लोर के साथ मिल जाएगी आपको। और ये देखिए अभी तो हम सिर्फ दो माले में आए, कितना अच्छा लुक आ रहा है। हाँ देखिए, अगर आप पहले आते थे आपको यहाँ पर 2 BHK मिल सकता था। छत से हम आपको दिखाएंगे एक और लोकेशन जहाँ पे बहुत सारे लोग फोटोज़ खिंचाते हैं। ये आगे हम टॉप फ्लोर पे, और ये देखिए इस जगह पे लोग सीढ़ी चढ़ के फोटो खिंचाते हैं। ये सारे गुम्बद जो बड़े बड़े, और इन पे लोग फोटो खिंचाते हैं। सो कितना बेहतरीन व्यू है, आप देखिए पीछे पूरा जंगल है, इतनी ऊँची बिल्डिंग है, उस तरफ से सनलाइट आ रही है, बहुत बेहतरीन व्यू है। तो चलिए हम आपको इन गुंबद के अंदर का दिखाते हैं कि अंदर क्या है इनके। ये देखिए इस टाइप का बना हुआ पेंटिंग्स वगैरह, और ये गुंबद की छत है ताकि पेंटिंग्स बनी हुई। तो ये देखिए सेम जिस बिल्डिंग में भी हम आए थे उसी टाइप की एक और बिल्डिंग है जस्ट इसके बगल में, कितनी ऊँची है देख लीजिए। सोचिए आपकी उस टाइम 84 यहाँ पर कॉटेजेस थे, छोटे छोटे कुटियाएँ, और बाकी ये इतना बड़ा होटल नुमा पूरी बिल्डिंग है, हॉस्टल कह लीजिए, इतना बड़ा आप देखिए, चार मंजिला, पता नहीं कितने रूम्स होंगे इसमें। सो उस टाइम कितने लोग यहाँ पे महेश योगी आश्रम में आते थे और अपना आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस करते थे, यहाँ पे अपना सीखते थे। तो हम यहाँ से ऊपर जाएंगे, इस कागज़ को जरा ऊपर जाके दिखाते हैं, थोड़ा पास आ जाते हैं। जैसे भैया ऊपर जा रहे हैं वैसे नंबर वन प्रायोरिटी है, तो आप लोग आराम से जाइए, मेरी तरह स्टंट करने की जरूरत नहीं है। ऊपर से व्यू दिखाता हूँ कैसा दिख रहा है, काफ़ी मेहनत, मशक्कत, रिस्क और डेयरिंग के साथ हम वीडियो बना रहे हैं। सो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहले तो आप देख लीजिए ये इस टाइप का कुछ वाटर टैंक टाइप का ये है, और यहाँ से ऊपर का व्यू ये देखिए, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, इस तरह का पूरा व्यू है ये देखिए। सो गाइस आप देख सकते हैं मैं अभी टॉप पर हूँ इस गुंबद के, बहुत ज़्यादा सनलाइट आ रही है। सो यहाँ पे मेरे पीछे देख सकते हैं व्यू। तो काफ़ी मेहनत करके हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को पूरी देखिएगा, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और लाइक भी जरूर करना ही तो ज़रूरी है ही, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अब हम नीचे चलते हैं।
नीचे से जाना भी कोई कैमरे के साथ कोई छोटी बात नहीं है, बहुत पड़ती है। चलिए हम नीचे चल के आपको वीडियो दिखाते हैं। तो गाइज़ ये है साउंड सिस्टम, इसके अंदर म्यूज़िक बज रहा, आप सुन सकते हैं। तो इस तरह के साउंड सिस्टम बहुत सारे लगे हुए हैं पूरे आश्रम में, और बहुत अच्छा सा एम्बियंस बनता है, बहुत अच्छा सा माहौल भाई आती पूरी। सो गाइज़ बहुत टाइम हो चुका है और फटाफट निपटाते हैं, रैपअप करते हैं, तो आपको पूरा दिखाएंगे। तो ये देखिए हम आगे जा रहे हैं, थोड़ा सा ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाले, शाम होगी 4 बजने वाले, तो ये बंद जाएगा। तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी सब कवर करते हैं कि क्या क्या है यहाँ पे। ये फटाफट आपको दिखाते हैं, टेम्पल लिखा हुआ है यहाँ पे, अंदर इसके मंदिर है। ये देखिए मेडिटेशन चैम्बर लिखा हुआ है इसमें, अंदर मंदिर है। बैटरी थोड़ी ख़त्म होगी इसलिए फ्लैश नहीं जला सकते। यहाँ मंदिर है और यहाँ से मंदिर की परिक्रमा करके आते हैं फटाफट से पीछे। थोड़ी लो लाइट हो गई, फ्लैश नहीं जल्दी, बैटरी ख़त्म हो गई। और ये देखिए ये है कंपाउंड, ये देखिए कंपाउंड है बहुत प्यारा, इस तरीके से बना हुआ है पूरा, अब टूट चुका है। और यहाँ पे से बैठने का एरिया है, इस तरह से आप बैठ सकते हैं, अभी बहुत से लोग बैठ रखे हैं। यहाँ से गार्डन है और ऐसे बैठने के बना रखा हट्स, यहाँ से आप रास्ता जा सकते हैं पूरा। साइड बहुत सारी पेंटिंग्स बनी हुई हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए एकदम हॉन्टेड प्लेस है, फ्लैश जला रखे दो दो फोन से, और दो दो बंदे भी साथ ले रखे इस तरीके से बिल्कुल डार्कनेस, बिल्कुल अंधेरा है यार, बगल में। और यहाँ पे बिल्कुल रूम्स हैं, स्नान घर है, आई डोंट नो क्या है, या मेडिटेशन सेंटर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब इसी टाइप से बने हुए बहुत सारे, ये मेरे ख्याल से मेडिटेशन सेंटर्स होंगे, छोटे छोटे गोल गोल से। एक मिनट यहाँ फ्लैश डालना जरा अंदर, तो देखिए तो कुछ इस तरीके से छोटे छोटे मेडिटेशन सेंटर्स बने हुए हैं, यहाँ पे बैठ के मेडिटेशन करते होंगे मे बी। और बस यहाँ पे ये एंड हो जाता है, यहाँ पे ख़त्म है। सो बहुत ही सोच समझ के बहुत पहले ज़बरदस्त चीज़ बना रखी है। चलिए बाहर चलते हैं, भागिए। तो गाइस अब रैप अप करते हैं क्योंकि जाने का टाइम हो चुका है, 4 बज गए हैं, बंद होने वाला है। और ऑलमोस्ट हमने सब कुछ कवर कर लिया है, और हमारे मनीष भाई भी ड्राइवर भी हल्ला कर रहे, बार बार फ़ोन करके बुला रहे हैं आ जाओ। देखिए ये देखिए अब कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, इसी टाइप का है, और इसी टाइप की छोटी छोटी खंडर टाइप की बिल्डिंग्स हैं जिनमें बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ें हैं, जो हम कभी कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट ब्लॉग में आपको ज़रूर दिखाएं दोबारा से या बनाएंगे। और यहाँ पे पोस्ट ऑफिस हुआ करता था, और ये पोस्ट ऑफिस के अपोजिट में आप देखेंगे, सो ये इतना बड़ा गार्डन है पूरा, नवग्रह वाटिका है इसका नाम, तो ये वाटिका है पूरी गार्डन। ये है यहाँ पे शिव जी का मंदिर, शिव जी वगैरह। शिव जी का मंदिर है नंदी महाराज, और यहाँ पे बहुत खूबसूरत एक पेंटिंग बनी हुई है। और ये देखिए कितनी खूबसूरत पेंटिंग बनी हुई है। सो गाइस काफ़ी लेट हो चुकी है और मुझे फाइनली अब ये रैपअप करना पड़ेगा, वीडियो काफ़ी लंबा बन चुका है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये हमारी देहरादून दर्शन सीरीज़ का 4th एपिसोड था, हमारी सीरीज़ के सारे एपिसोड देखने के लिए प्लेलिस्ट आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगी, वहाँ से देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। जल्दी से चलो, सब भाग गए मुझे छोड़ के, जल्दी भागो, ब्लॉग भी ख़त्म करना है, जल्दी चलिए, ब्लॉग ख़त्म करना है और घर भी जाना है टाइम पे, अभी देहरादून जा रहे हैं, बहुत दूर ट्रैफिक लग सकता है। और ये देखिए सबके सब भाग गए मैं छोड़ के। सो थैंक्स फॉर विजिटिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम जा रहे हैं बाहर, ये रहे हमारे भाई लोग वेट कर रहे थे। सो गाइस बैटरी भी ख़त्म हो गई है और हमारा ट्रिप भी ख़त्म हो गया, हम चल रहे हैं, गाड़ी निकल रही है बस, फिर चलते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।